हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ, इस फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ही फॉर्म है जो कम से कम 30 से 40 पेजों में लगा हुआ है। यहाँ पे 30 40 50 पेजेस की वेबसाइट सही है। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू ऐड वन सिंपल फॉर्म इन टू द डिफरेंट पेजेस एंड आफ्टर सबमिट द फॉर्म। सपोज इफ आई वॉन्ट टू सबमिट दिस फॉर्म, इट्स सबमिटेड एंड दैट्स ऑल। एंड वंस If user get this all the information, he'll get the information for this page also. So he can easily understand ki where I have get the information inquiry from, because he have more than 200-300 pages in the website. So how can he understand ki which page he is required, which service he is required? He have a many service. If you go through these pages, you will find lot of services here. This one, and even he is planning to add more and more services. If we'll go to the footer, you will find different services. So there are different pages, there are different services, but how can he understand ki which service user or my website visitor require? So and it is also not possible to create different form for different pages. Okay, so here I will show you this all the thing ki how to create one form for different pages, and user can suppose if the admin get the information of this particular form, he will get the information for this URL also. Okay, so let's start that. So सबसे पहले तो आपको प्लगइन डाउनलोड कर लेना। जैसे कि आपको मैं अपनी वेबसाइट्स में जो प्लगइन्स दिखाता हूँ उसमें मैंने ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगइन लिया है। अब अच्छी बात यह है कि ये प्लगइन अगर आप फ्री और ट्रायल वर्जन वाला लेंगे तो भी वो काम करेगा। तो डोंट वेरी अबाउट डैट, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ये दिख रहा है आपको, है ना। इसकी सेटिंग वगैरह में मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, मगर अभी आप डायरेक्ट चले जाएंगे कहाँ पे, आपके कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में चले जाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको ऊपर दिखता है कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म को नाम दे दीजिए। आप एड न्यू कर सकते हैं, एड न्यू के बाद एक जो भी आपको एक्स वाई जेड नाम देना दे दीजिए। तो अभी 30 से 40 फॉर्म हैं मेरे, तो मैं A1 नाम का फॉर्म ही हर जगह यूज़ किया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वेबसाइट्स में हर एक जगह पे एक ही जैसा फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये सारा जो फॉर्म है ये A1 ही है, ये भी A1 है। और लेट मी कनेक्ट अनदर पेज, सो दिस इज़ अगेन A1। सो ईच एंड एवरी फॉर्म इज़ A1। ओके, आप ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद मैं जाता हूँ एडिट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ये आपको गौर से देखना है। अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली ये लेवल्स हैं। लेवल आप देख रहे हो कि क्या है, नेम है, फिर उसके बाद ये टैक्स है। लेवल 1 ख़त्म हो गया, तो ये ऐसा होता है, देखिए नेम और ये लेवल ख़त्म हुआ, एक ये लेवल है। आप चाहो तो अपने फॉर्म के अनुसार ले सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो लेवल, नंबर, टैक्स, डेटा, टेरिया, ड्रॉप डाउन, एवरीथिंग इज़ देयर। चेक बॉक्स लेना है आपको। तो मुझे ये फॉर्म बहुत सिंपल बनाना था, नेम। अब देख रहे हैं इसमें, याद रखिए नेम ये ऊपर है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन कर दूंगा, मतलब अगर मैं ये ऐसे लूँगा तो ये नेम का जो बॉक्स है ना बगल में आ जाएगा, तो ये लुक एंड फील अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं गया। तो ये जो है ना सेम यहाँ पे विदाउट कैट कोड ये BR लग जाता है, ये आपको थोड़ी सा ध्यान रखना। उसी प्रकार से आप देखोगे तो ये लेवल 2 है ना, जिसमें मुझे ईमेल चाहिए, और लेवल 3 है जिसमें आई नीड द ईमेल आईडी। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगाई है, ये कोड। तो अब ये कोड मैं आपको दे दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट डैट। ये ईमेल आईडी, ये फॉर्म मैं आपको ये फाइल शेयर करने वाला हूँ, तो इसमें ये कोड आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये एक हिडन फाइल लगाई है मैंने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लेवल है DIV स्टाइल, ये डिस्प्ले नन कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये फोर्थ वाला डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मगर ये इट इज़ देयर। तो क्यों मैंने डिस्प्ले नहीं किया उसे, सो दैट मैं यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला ना इसमें URL आ जाएगा, मीन्स ये जो URL है ना वही उसे यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ मैं। तो हर एक पेज में सेम ही है, एक पेज में और चले आते हैं तो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई आएगा तो नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, और यहाँ पे जो है मैं इस URL को फैच कर लूँगा, तो ये एडमिन के पास पहुँच जाएगा, जो इस कंपनी का ऑनर है उसके पास पहुँच जाएगा कि ये देखिए लिखा है ना रजिस्ट्रेशन, IEC रजिस्ट्रेशन, वो समझ जाएगा कि इसे रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो वो शॉप अगर 200 पेज की वेबसाइट है तो ही कैन अंडरस्टैंड कि विच सर्विस ही रिक्वायर। ओके, नाउ अभी मैं जाऊँगा तो ये आपने एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे कोड। अब मेल में जाते हैं, तो अब मेल में देखेंगे तो ये है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। तो अब ये सब चीज़ के लिए भी मैंने कुछ इमेजेस बनाई है, विच आई कैन शेयर यू।
तो ये देखिए इमेज वन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाओगे तो ये इमेज टू है, यहाँ पे आपका ईमेल डालना है, यहाँ पे आपका ईमेल डालना, जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, हर जगह पे ब्लू जगह पे आपको अपनी कंपनी का ईमेल डाल दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए एक और ईमेल आईडी दिखेगा आपको, ये शीशी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल किसी और ईमेल पे भी पहुंच जाए, एक्स्ट्रा किसी ईमेल पे पहुंच जाए, दो ईमेल पे जा सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपनी का ईमेल आईडी डाल दिया, जहाँ पे सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं भरने के बाद सबमिट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है उनका जीमेल डाला है, ये देख रहे हैं आप, है ना। तो अगर कंपनी बोलती कि दो ईमेल पे जाना चाहिए, तो बस यहाँ पे ये ऊपर का जैसे का तैसा कॉपी पेस्ट करिए, बिल्कुल चेंज मत करिए, और नीचे जो है ना, यहाँ यहाँ पे सीसी जगह पे बस यहाँ पे उनका ईमेल डाल दीजिए आप, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा अनदर ईमेल आईडी इफ़ यू नीड। देन आप यहाँ पे सीसी में दूसरे ईमेल भी और पोस्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कोड और डालना है, दैट इज़ सर्विस रिक्वायर और पेज यूआरएल। अब क्या है, लेट्स गो टू द माई नोटपैड 5। हाँ, यहाँ पे अब सबमिट में एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको डालनी है, वो भी मैंने दी है, तो कहाँ पे आपको कैसे दिखाऊँ मैं, चलिए यहीं से दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये कोड एक एक्स्ट्रा है जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये कोड जैसे का तैसा आपको यहाँ पे डाल देना। ये कोड मैं आपको देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बोला, ये हो गया सबमिट का लेवल का हो गया, है ना। फिर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ये, याद रखिए किसी भी कॉन्टेक्ट फॉर्म में, किसी भी कॉन्टेक्ट फॉर्म में ये जो पार्ट होता है ना, मैसेज बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इसमें गलती नहीं की तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी वर्क फाइन, ओके। तो ये मैसेज बॉडी का टेक्स्ट मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिख दी है, अब सर्विस रिक्वायर ये मैंने लिखा है, क्योंकि जो एडमिन है ना, जो वेबसाइट का जो ऑनर है, द कंपनी, द यू नो पर्सन हु कैन हैंडल द इंक्वायरीज, तो उसे वो दिख जाएगा हेडिंग में आके कि भैया ये कौन सी, विच सर्विस ही रिक्वायर, ही रिक्वायर दिस पर्टिकुलर सर्विस, ये यूआरएल आ जाएगी। कौन सा यूआरएल आएगा, सो वो दिस इज एन अदर यूआरएल, जो भी ये डब्ल्यू डब्ल्यू करके उस पेज में आएगा ना, वो यूआरएल यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आएगी, जैसे ये यूआरएल पूरा वहाँ पे अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं भरता हूँ ये फॉर्म, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, ये ईमेल आ गया। इसके ड्रॉप डाउन करोगे तो विल फाइंड वन मोर कॉलम हियर, दैट इज़ यूज HTML कंटेंट टाइप, तो इसे आपको ऑन कर देना है, जैसे कि मैंने अपनी इमेजेस में दिया है, आपको ये सब फॉलो करने हैं सेम के सेम। ये देखिए चेकबॉक्स आपको ऑन कर देना, ठीक है ना। तो ये हो गई, बस इतना ही करना है। नाउ वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, इनके बाद आप सेव करके क्लोज कर दोगे इसे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ ये कोड फिर से, दिस, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉपी दिस ऑल द कोड एंड गो टू द थीम फंक्शन में आप चले जाएंगे। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ यार ये, तो अपियरनेस एंड गो टू द थीम फंक्शन, ये अपियरनेस दिख रही है, यहाँ से आप चले आएंगे थीम फंक्शन में। तो इसे मैं लीव करता हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी सेव किया। यहाँ पे जाएंगे आप थीम फंक्शन में, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ही आपको चल जाएगा थीम फंक्शन। नाउ इफ़ यू आर वर्किंग विद द चाइल्ड थीम, तो आपको चाइल्ड थीम फंक्शन पे जाना है, बट हेयर आई एम नॉट वर्किंग विद द चाइल्ड थीम, मैं मैन जो थीम है उसी पे काम कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू क्लिक हेयर थीम। तो मेरे को लगता है 90% लोग इसी पे जाएंगे, और कुछ ही लोग होते हैं जो थीम चाइल्ड थीम पे काम करते हैं, सो यू कैन गो टू द चाइल्ड थीम। नाउ क्लिक ऑन दिस थीम फंक्शन, ओके। नाउ अब थीम फंक्शन में आपको क्या करना है, ये यहाँ से आपको दिख रहा है, ये कोड दिख रहा है PHP, तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये आपको ऐसा दिखेगा ये। सो बस ये PHP में आप इंटर कर दीजिए, यहाँ से कोड चालू होता है, द कोड विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली, सो जस्ट इंटर दिस कोड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉपी दिस कोड, दिस, ये देखिए, ओके, यू हैव टू कॉपी दिस ऑल द कोड एंड पोस्ट पेस्ट देयर, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सो एंड देन यू हैव टू गो एंड सेव द फाइल, सेव, अपडेट द फाइल, ओके। सो व्हाट हैपेंड, लेट मी रिमूव दिस कोड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस कोड हेयर, ये मैंने एड किया ऑलरेडी। Now what happened? After that you have to update the file. Now after that once you can update, let's check. Go to the any page like contact form and add it. And definitely you can find this code here. This is the code. Okay, copy this thing
एंड वेर एवर यू वॉन्ट टू पेस्ट दिस थिंग इट विल बी वर्क. सो लेट मी गो टू द एनी पेजेस हेयर. सपोज आई विल गो हेयर एंड लेट्स गो टू द एनी पेजेस लाइक दिस वन एंड यू कैन एडिट दैट इन यू कैन कॉपी पेस्ट दिस. तो इट्स लेट मी शो द थिंग्स डायरेक्टली. So let me visit any of the pages and I will copy paste this thing here. Add it with Elementor. So it will work very fine, very great with Elementor tool. Okay. So Elementor, I can add it with the Elementor here. Okay. And now after that, this is simple a HTML box. If you go through the this HTML box, simple, okay. So let me remove this. Okay, let me add one more. Okay, so this is HTML, and you will find this. Drag it here somewhere, okay. And whatever your form, you have to copy paste this all the form. That's all, and it will work very finely. So let me check that thing again in the new, we can go to the another window and let's submit the form. Okay, and let me go to the any form and let me submit Ajay URL and this is a FASI registration. Okay, then I have submitted. Now let's go to the website page. Okay, so if you go to the email ID of that particular company, so let me check this one. Okay, in the last one, let me check this one. This. So if you find this every information is there right now. This name Ajay, my email ID I have submitted this one, mobile ID this one, and cell service required. So this one Faisal.registration. So this is the email ID where I have. This is the page URL where we have submitted the form. This Faisal email ID. Okay, let me submit another one. So trademark objection. Okay, so let me submit. Let me give another name VIJ, and give me another email ID like. Okay, and this number. Okay, and if I will submit, so now this page is. Trademark objection reply. Okay, so what I have to check now, I have to go in the email ID again. Yes, and refresh this one again. Okay, and this one is again, double click on this and this one, I'll get my information here. Vijay, this is my another email ID, and now what is the service required? Which service required? Trademark objection reply process. Okay, so same page is there. This trademark objection reply process online. So this is the wonderful things. Now this same form I have used in many places. You just copy paste this all the form in all the pages and it will work finely. Thank you so much for watching my video. Please subscribe and like, and please comments kariye. And if you need some more information, if you feel some information, aap Hindi, English, Marathi, Sanskrit kisi cheez mein comments mein zarur likhiye. Main apne comments bahut acche se padhta hu aur us pe video banata hu. I am serious about all the contents. So thank you so much for watching my videos.